नमस्ते सदावस्तले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, आज की टॉप हेडलाइंस है। एचएएल के द्वारा बनाए जा रहे इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का डिजाइन 2021 के दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और 2024 से इसका प्रोटोटाइप सामने आएगा। एचएएल के द्वारा तैयार किया जा रहा STT-40 बेसिक ट्रेनर पर काम हुआ पूरा, भारतीय वायुसेना खरीदने के ऑर्डर दे सकती है। अमेरिका ने भारत को चेताया है कि चीन बरगाम एयरबेस का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। चीन ने लागू किया अपना नया समुद्री कानून, लेकिन अमेरिका ने उसे खारिज किया। तुर्की की सेना संभालेगी काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा, तालिबान और तुर्की के बीच हुआ रणनीतिक अनुबंध। पहली बार भारतीय कंपनी L&T को 3 फ्लीट सॉलिड सपोर्ट शिप्स के लिए बिड के लिए चुना गया। पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो यूके के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेकर आ रही है। यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 4 कंपनियों को चुना है बिड के लिए, जिसके तहत उनकी नेवी के लिए 3 फ्लीट सॉलिड सपोर्ट शिप को बनाया जाना है। भारत भी इन 4 विदेशी कंपनियों में से एक है, जिसमें कि भारत के L&T को चुना गया है। और इस फ्लीट सॉलिड सपोर्ट शिप्स के लिए पहले फेज डिजाइन किया जाएगा, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 5 मिलियन पाउंड प्रत्येक फ्लीट का होगा। इसके बाद जो 4 बिडर्स हैं, उन्हें अपने डिजाइन प्रपोजल और आने वाले फेज के तहत कैसे काम होगा इस प्रोग्राम पर, उसके बारे में बताना होगा। इस सौदे की कुल लागत 1.6 बिलियन पाउंड है। HAL के द्वारा बनाया जा रहा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जिसे कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जा रहा है, इसका फाइनल डिजाइन 2021 के अंत तक फाइनल कर लिया जाएगा और 2029 से इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। आर्मी और एयरफोर्स के लिए IMRH का कॉन्फ़िगरेशन लगभग एक जैसा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें बदलाव भी किया जाएगा। HAL इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के स्ट्रक्चरल टेस्ट यूनिट को 2023 से तैयार कर लेगी। 2024 में पहला प्रोटोटाइप सामने आ जाएगा, जिसके बाद इसकी पहली फ्लाइट भी शुरू कर दी जाएगी और 2025 के बाद 3 और यूनिट सामने आएंगी, जो कि इस हेलीकॉप्टर का आर्म्ड वर्जन होगी। इसके अलावा HAL नेवी के साथ भी बात कर रहा है IMRH प्रोग्राम के लिए। हालांकि कहा जा रहा है कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बातचीत चल रही है HAL और नेवी की, लेकिन नेवल वर्जन को आने में थोड़ा वक्त और लग सकता है। HAL के टेस्ट पायलट्स ने STT-40 बेसिक ट्रेनर का डेवलपमेंटल सॉर्टीज को पूरा कर लिया है। 2016 से ही इसे डेवलपमेंटल फ्लाइट सर्टिफिकेशन सॉर्टीज के लिए चुना जा चुका है। STT-40 अपने 10 टन का डेमोन्स्ट्रेशन भी कर चुका है और ये ऑपरेशनल क्लीयरेंस के लिए तैयार है। HAL इसके लिमिटेड स्केल प्रोडक्शन को 2022 से शुरू करेगी। इंडियन एयरफोर्स की टीम इसके यूजर ट्रायल्स करेगी और जिसके बाद वो इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ये STT-40 अपने मेजर टेस्ट पॉइंट को पूरा करता है या नहीं, और उसके बाद ही इंडियन एयरफोर्स इसके ऑर्डर देगी। बरगाम एयरपोर्ट को हासिल करने के फिराक में इस वक्त चीन है और इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है, ऐसा अमेरिका का कहना है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर आते ही चीन अफगानिस्तान के सबसे बड़े बरगाम एयरबेस को हासिल करने की फिराक में है। मौजूदा हालात में वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगा। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक रही रिपब्लिक नेता निक्की हेली ने इस महत्वपूर्ण जानकारी को दिया है। बरगाम एयरबेस अमेरिका का 20 साल तक सबसे बड़ा सैन्य बेस अड्डा रहा है और यहीं से उन्होंने आतंकियों की कमर तोड़ी थी और हवाई हमलों को अंजाम दिया था। अमेरिका की नेता निक्की हेली ने वर्तमान की स्थितियों के संदर्भ में बाइडेन प्रशासन से कहा है कि सबसे पहले जरूरी है कि अमेरिका अपने मित्र देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सभी सहयोगी देशों के साथ मजबूती से समन्वय बनाए और उनका साथ दे। इस समय ताइवान, यूक्रेन, इसराइल जैसे देशों के साथ भी खड़े होने की जरूरत है। बरगाम एयरबेस चीन को एक बड़ी बढ़त देगा, जिससे चीन के फाइटर जेट हैवी लोड के साथ वहां उतर सकते हैं और पहाड़ों की वजह से ये जेट रडार कवरेज से बचे रहेंगे। चीन ने समुद्री यातायात सुरक्षा कानून को लागू कर दिया है। इसके चलते चीन के समुद्री सीमा में घुसने से पहले विदेशी जहाजों को अब अपनी मौजूदगी की सूचना देनी होगी, वो भी चीनी अधिकारियों को, और इसके लिए आवश्यक अनुमति लेनी होगी और अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। वहीं सूत्रों के अनुसार चीन का ये कदम एक टाइम बम की तरह हो सकता है, क्योंकि इसके चलते दक्षिणी चीनी सागर से गुजरने वाले विदेशी मालवाहक जहाजों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है और इससे चीन का बाकी देशों के साथ टकराव बढ़ेगा। इस कानून के तहत चीन किसी जहाज को अपने लिए खतरा मानता है और उसके समुद्री सफर पर रोक लगा सकता है या उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। हालांकि उधर अमेरिका इस कानून का विरोध करना शुरू कर चुका है। बाइडेन प्रशासन का मानना है कि ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ट्रेड के लिए चीन की धमकी है और हम इसे नहीं मानते हैं। भारतीय सेना के टुकड़े 3 सितंबर से रूस के निजनी में होने वाले ZAPAD 2021 नाम के मल्टीमिशन अभ्यास में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ZAPAD 2021 एक 13 दिवसीय अभ्यास है और ये 16 सितंबर 2021 को खत्म होगा। यही नहीं, इसके अलावा यूरेशिया और दक्षिण एशिया के एक दर्जन से अधिक देश इसमें भाग लेंगे। तालिबान अब काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा तुर्की सेना को सौंपने जा रहा है। ये दावा पाकिस्तानी सीनेट की रक्षा मामलों की समिति के सदस्य
मुशाहिद हुसैन सैयद ने किया है। मुशाहिद ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए तालिबान और तुर्की के बीच रणनीतिक अनुबंध हो चुका है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की की सेना में ये क्षमता है कि वो इस एयरपोर्ट की जिम्मेदारी संभाल सकती है, इसीलिए उनसे तालिबान ने वार्ता की। हालांकि तुर्की जब अमेरिका की सेना वहां पर मौजूद थी उस दौरान भी काबुल में हवाई अड्डे का संचालन और सुरक्षा में उसकी दिलचस्पी बढ़ रही थी, क्योंकि तालिबान अभी पूरी तरह से एयरपोर्ट चलाने के लिए प्रशिक्षित नहीं है। पाकिस्तानी नौसेना को पहला जेट पावर्ड लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल यानी कि LRMP एयरक्राफ्ट मिल गया है और ये नया ट्विन इंजन जेट एयरक्राफ्ट ब्राजीलियन एम्ब्रेयर का एक टाइप है, जिसे कि विश्व स्तर पर हवाई संचालन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस सीरीज के दो और विमानों के लिए भी पाकिस्तानी नौसेना का अनुबंध किया जा चुका है। ये विमान समुद्री हवाई संचालन करने के लिए नवीनतम हथियारों और सेंसर से लैस होंगे। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बावजूद भी भारत में अफगानिस्तान की सेना के सैन्य अफसर डिफेंस कोर्स कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, हायर कमांड और सेना के स्पेशलाइजेशन कोर्स को कर रहे अफगान ऑफिसरों का कोर्स खत्म होने तक उनकी ट्रेनिंग जारी रहेगी। इस कोर्स के अलावा सिविल एकेडमी कोर्स करने के लिए भी सेना उनकी सहायता कर रही है, ताकि वे यूनाइटेड नेशन में किसी दूसरे देश में रिफ्यूजी स्टेट के तहत जाने के बाद अपनी आगे की जिंदगी शुरू कर सके। फिलहाल अफगानिस्तान के 130 आर्मी ऑफिसर भारतीय सेना में अलग अलग डिफेंस कोर्स करने आए हुए थे। भारतीय सेना रिफ्यूजी स्टेटस के तहत ई वीजा के लिए भी मदद करेगी, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। अफगान सैन्य ऑफिसर पिछले साल भारत आए थे, उन्हें इस साल भी ट्रेनिंग का पूरा कोर्स कराया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।